जादुई बांसुरी। रामू को संगीत का बहुत चाव था। वो बांसुरी बजाना सीखना चाहता था, लेकिन जब भी सीखने की बारी आती वो मेहनत करने से घबरा जाता और हमेशा कोई न कोई छोटा रास्ता ही चुनता। उसकी कक्षा के सहपाठी उसका मजाक उड़ाया करते थे और फिर वो दुखी हो जाता था, परंतु तब भी उसने कभी मेहनत करने की नहीं सोची। एक दिन छुट्टी के बाद जब वो स्कूल से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक बांसुरी गिरी पड़ी नजर आई। वो दिखने में बड़ी ही अनोखी और सुंदर बांसुरी थी। उसने ऐसी बांसुरी पहले कभी नहीं देखी थी। रामू ने सोचा, ये भला कैसी बांसुरी है? ऐसी बांसुरी तो मेरी कक्षा में भी किसी के पास नहीं। क्या मैं इसे बजाकर देखूं? जैसे ही रामू ने अपने मुंह से बांसुरी को लगाया, उसमें से बहुत ही मधुर धुन निकल आई। घर पहुंचकर उसने बांसुरी को अपने स्कूल बैग में छिपा लिया। अगले दिन स्कूल में रामू ने जैसे ही अपनी बांसुरी निकाली, सभी बच्चे उसकी चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हो गए। बच्चे बोले, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितनी सुंदर बांसुरी है। रामू के पास ये बांसुरी कहाँ से आई? ये तो कितना मधुर संगीत बिखेरती है। अब कक्षा में धीरे धीरे सभी बच्चे रामू के मित्र बनने लगे। रामू को पहले कभी बांसुरी बजाने नहीं आती थी, परंतु ये कोई जादुई बांसुरी जैसे उसके लिए एक मौका लेकर आई हो। उसकी बांसुरी की आवाज में सब लोग इस तरह खो जाते थे जैसे श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से समस्त वृंदावन को मोहित कर लिया करते थे। जैसे जैसे उसकी बांसुरी सबको मोहित करने लगी, वैसे वैसे रामू को भी इस बात का घमंड होने लगा। अब उसे बांसुरी सीखने की भी कोई जरूरत ना थी। वो अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें किया करता और ये कहता कि कितनी मेहनत के बाद उसने इतनी अच्छी बांसुरी बजानी सीखी है। लेकिन झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती है बच्चों। रामू ने बांसुरी को इतना ज्यादा बजाया और उसे बजा बजा कर इतने झूठ बोले कि धीरे धीरे उस बांसुरी की आवाज धीमी पड़ने लग गई। रामू कुछ न कुछ बहाना बनाकर सहपाठियों से बचने लगा था। अब जब उसके दोस्त बांसुरी बजाने को कहते तो बांसुरी खराब हो जाने के डर से रामू उन्हें इनकार कर देता। एक दिन घर लौटते समय रामू और उसका मित्र शानू एक पेड़ के नीचे रुके। वे अक्सर वहां रुककर बांसुरी बजाया करते थे और आने जाने वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। लेकिन उस दिन रामू उस बांसुरी को नहीं बजा पा रहा था। शानू ने पूछा, रामू तुम बांसुरी क्यों नहीं बजा पा रहे हो? रामू बोला, शानू शायद ये खराब होने वाली है। शानू बोला, कोई बात नहीं रामू, ये लो मेरी बांसुरी से कोशिश करो। ये सुनकर रामू डर गया। सोचने लगा कि अगर शानू को पता चल गया कि उसे बांसुरी बजानी नहीं आती है तो शानू सबको इस बारे में बता देगा। रामू ने बांसुरी बजाने से मना कर दिया और जल्दी से अपने घर भाग गया। बांसुरी न बजा पाने के कारण रामू अब अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। घर पहुंचकर रामू ने गुस्से में आकर अपने कमरे में जोर से बांसुरी को फेंका। जैसे ही बांसुरी दीवार से टकराई, उस बांसुरी में से एक सुंदर परी प्रकट हुई। रामू तो उस परी को देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। परी ने रामू को बताया कि ये जादुई बांसुरी उसे उसकी संगीत की कामना को पूरा करने के लिए दी गई थी। लेकिन जब उसने इससे अपने सहपाठियों को ठगना शुरू कर दिया, अपने आप को महान समझने लगा, तभी इस बांसुरी का जादू धीरे धीरे गायब होने लग गया। परी ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने लालच को पूरा करने के लिए इस बांसुरी का उपयोग इस तरह से करोगे।
रामू ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अब से पूरी मेहनत करूँगा और अच्छी बांसुरी बजाना जरूर सीखूंगा। परी ने फिर याद दिलाया, देखो जब तक तुम नेक रहोगे तब तक ही इस बांसुरी का जादू रहेगा, नहीं तो ये जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रामू ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस जादुई बांसुरी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सच में खूब मेहनत करूंगा। इसके बाद वो परी गायब हो गई। रामू ने बांसुरी को उठाकर एक बार फिर अपने बैग में रखा। उस दिन से रामू ने कभी अपनी बांसुरी का घमंड नहीं किया। उसने शानू को सब कुछ सच सच बता दिया। बदले में शानू ने मित्रता निभाते हुए रोज घर लौटते वक्त रामू को बांसुरी सिखाना भी शुरू कर दिया। अब तो रामू सच में ही बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लगा था, परंतु वो सदा बांसुरी के जादू पर विश्वास करता था। वो आज तक न जान पाया कि अब जादू उसकी बांसुरी में नहीं, उसके अपने हुनर और अपनी मेहनत में था। जादुई बक्सा। 7 साल का सलीम अब एक अनाथ बच्चा था। जब वो 3 वर्ष का था तब उसने अपने माता पिता को खो दिया। अब सलीम और उसका 5 साल का छोटा भाई बहुत से दूसरे अनाथ बच्चों के साथ नदी किनारे की बस्ती में रहते थे। उनके पास रहने के लिए घास फूस से बना टूटा फूटा घर तो था, लेकिन पेट भरने का इंतजाम तो उन्हें खुद ही करना पड़ता था। सलीम अपने भाई के साथ घर घर जाकर पैसा और खाना मांगा करता था। कभी कभी तो उन्हें कुछ मिल भी जाता था, लेकिन कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इतने संकटों के बाद भी सलीम और उसका भाई रिहान कोई भी गलत काम नहीं करते थे। उन्हें जो कुछ मिलता वो दोनों भाई उसी में खुश थे। कई बार तो लोग उन्हें बुरा भला भी कह दिया करते थे, परंतु वो दोनों उसे ईश्वर की मर्जी समझकर सहन कर लिया करते। सलीम था तो सिर्फ 7 वर्ष का, लेकिन उसने इस छोटी सी आयु में ही दुनिया की मुसीबतों का सामना करना सीख लिया था। सलीम की बस्ती के पास के मैदान में एक बार एक मेला लगा हुआ था, जहां पर बहुत से बड़े बड़े झूले, सुंदर कपड़े और लजीज पकवान और मिठाइयां रखी गई थी। हर रोज बहुत सारे लोग मेला देखने आते थे। लोगों की आवाज और पकवानों की खुशबू उनकी बस्ती तक भी आती थी। सलीम और रिहान के भूखे पेट को और भी भूखा कर देती थी। एक दिन जब छोटे भाई रिहान से रहा न गया तो वो बोला, भाई मुझे भी मेला देखने जाना है, मुझे वहां लेकर चलो ना। सलीम बोला, नहीं रिहान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास वहां कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सलीम ने रिहान को बहुत समझाया, लेकिन छोटे बच्चे की जिद के आगे सलीम की एक न चली। आखिर था तो वो छोटा बालक ही जिसे मेले की चमक धमक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अगले दिन सलीम और रिहान सुबह जल्द ही निकल गए और रोज की तरह घर घर जाकर पैसे मांगने लगे। लेकिन आज तो ईश्वर की कुछ अलग ही इच्छा थी। पैसे देना तो दूर, आज तो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सलीम के हाथ में अब तक सिर्फ 3 ही रुपए आए थे। दोनों भाई थक चुके थे, उन्हें भूख भी लग रही थी। कुछ और दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत खाने को तो मिल गया,
लेकिन पैसों में कोई इजाफा न हुआ। थक हार कर दोनों भाई घर वापस लौटा। सलीम को पता था कि 3 रुपए में तो शाम का खाना भी नहीं खा सकते वो। मेला घूमने जाना तो दूर की बात है, लेकिन वो रिहान का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो रिहान को लेकर मेला देखने चल पड़ा। मेले की रौनक देखकर सलीम और रिहान की आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ एक से एक बढ़िया चीजें थी। सलीम और रिहान एक मिठाई की दुकान पर गए। सलीम ने मिठाई वाले से पूछा, काका ये रसगुल्ले कैसे दिए हैं? मिठाई वाला बोला, ए भागो यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। उन दोनों के फटे पुराने कपड़े देखकर दुकानदार समझ गया था कि ये लोग कुछ नहीं खरीद सकेंगे। दूसरी दुकानों पर भी यही हाल था। कोई भी उन दोनों को सामान नहीं बेचना चाहता था। निराश होकर सलीम और रिहान वापस लौट ही रहे थे कि भीड़ में सलीम को एक जोरदार धक्का लगा और उसके पैसे उसके हाथ से छूटकर नाले में गिर गए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। दिन भर की कमाई की 3 रुपए और वो भी अब शाम के वक्त नाले में गिर गई। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी सलीम के कंधे पर हाथ रख लेता है। बूढ़ा आदमी सलीम से कहता है, रो मत बेटा, जो चीज चली गई उसका दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। सलीम बोला, लेकिन बाबा अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो रात का खाना भी नहीं खा सकेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये बक्सा है, तुम इसे अपने पास रख लो। सलीम ने पूछा, लेकिन इस बक्से का मैं क्या करूंगा? जैसे ही सलीम ने ऊपर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। सलीम ने बक्सा उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने उसे खोला तो देखा कि बक्सा तो खाली था। इस पर रिहान से न रह गया, तुरंत बोल पड़ा, भाई इस खाली बक्से का हम क्या करेंगे? मैंने तो सोचा था इसमें अच्छे अच्छे पकवान होंगे। रिहान के मुंह से बात निकलने की देर थी कि बक्सा अलग अलग स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों ने जल्दी से जल्दी सब कुछ खा लिया। अब सलीम और रिहान जब भी चाहते तभी वो बक्से को खोलकर खाने का नाम लेते और बक्सा पूरी तरह खाने से भर जाता। सलीम और रिहान को अब कभी भी भूखा सोने की जरूरत नहीं थी। वे लोग दूसरे अनाथ बच्चों को भी खाना देने लगे, क्योंकि अब उनके अच्छे दिन जो आ चुके थे।